हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रांड। और आज मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ कि आप बीएससी में मोर टू मोर मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट समझाने वाला हूँ कि आप मोर टू मोर कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप डेली कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं पढ़ने, ठीक है, तो एक तो आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, दूसरा आप पर्सनली एक कोचिंग सेंटर जो प्राइवेटली कोचिंग सेंटर होते हैं, अलग से हम कोचिंग्स लेते हैं, एक तो आपका वो तरीका हो गया। ठीक है, वहाँ से आपको वो पढ़ाया जाता है कि जो आप नॉलेजेबल चीज़ें लेते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ी आपने बीएससी पीसीएम में, ठीक है, तो वहाँ से आपने बीएससी पीसीएम से पढ़ी और आपको केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करा दिया। ठीक है, अब वो तो आपने पूरा तैयार कर लिया, आपको नॉलेज की जरूरत थी, आपने नॉलेज पूरी गेन कर ली। ठीक है, तो फुल आपकी नॉलेज गेन होगी वहाँ से, जो आपकी तैयारी थी, मतलब जो चीज़ चाहिए थी वो सब आपकी क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ से आप उतना गेन नहीं कर सकते क्योंकि आपका फुल सिलेबस होता है। अगर आप नॉर्मली अब बीएससी केमिस्ट्री बात करूँ तो आपकी कम से कम 6 कॉपियाँ भर जाएंगी, और पेपर टाइम पे 6 कॉपियाँ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मतलब बहुत कठिन हार्डवर्क हो जाता है। तो इस चक्कर से मेन पॉइंट है कि एक तो नॉलेज ना पूरी है कि सिलेबस की बेसी में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉन केमिस्ट्री, तीनों का नॉलेजेबल अच्छा है। मैं अब हमें मार्क्स गेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस की हमें कैसे कंप्लीट हो गया, हमें पूरी उसकी नॉलेज हो गई। अब सेकंड पॉइंट है वो कि उसको मार्क्स से कैसे गेन करें। तो देखो एवरी यूनिवर्सिटी है, देखो प्रत्येक यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ कि लास्ट 10 ईयर के जो प्रैक्टिस सेट पेपर होते हैं या लास्ट ईयर की जो एग्जाम सेट होते हैं उनसे ही आपका टोटल पेपर बनता है। लास्ट 10 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटी का। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी के जब 10 ईयर्स आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे आपने तीन मैंने आपको बताया 6 कॉपी केमिस्ट्री की बन गई, मैथ्स की बन गई, फिजिक्स की बन गई, अगर आप लास्ट के 10 ईयर्स को रिवाइज कर देते हैं तो आपको फुल्ली लगभग 90+ मैं कह सकता हूँ कि आपका पेपर एग्जिट हो जाएगा। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई सा भी अनसोल्ड पेपर लें, उसका गेस्ट पेपर लें लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है, और उससे आप एग्जैक्टली पढ़ाई करें। और यहाँ तक मैं अपनी अगर पूरा नॉलेज से अगर बात करूँ तो आपका 90+ आराम से आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस चीज़ पे करना है कि आपको पूरा पहले सिलेबस जानना है, पूरी नॉलेज जाननी है कि आखिर में सिलेबस में मुझे तैयारी क्या करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि मुझे इतना तो हो गया, फिर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं मुझे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पे पूरा सिलेबस करने के बाद सिर्फ आपको उतनी पढ़ाई करनी, क्योंकि बीएससी में चीज़ें रिपीट होती हैं, बीए में चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो रिपीटेबल चीज़ें आपको आएंगी तो आपको तैयारी अच्छे से होगी, वहाँ से आप मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नॉलेज पूरी अच्छी है लेकिन वो मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मार्क्स गेन अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाइए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, सब कुछ उनसे आप आराम से 90+ क्रॉस कर सकते हैं। आपका एनी कुछ अदर क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी रिलेटेड या कोई के सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी से हो तो आप मेरे को सीधा कमेंट कर सकते हैं, या मेरा 9411009110 व्हाट्सअप पे जाते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको सेंटर मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। ठीक है, और थर्ड ईयर की भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ ही लेना, ठीक है, कमेंट में भी। प्लस मैंने फिर आपको एक बार बता दूँ, सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करना है, क्योंकि नॉलेज जितना आपको होगी ना उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको नॉलेज तो गेन से करनी चलनी है, नॉलेज तो हमें हम लोगों को गेन करनी करनी है। उसके बाद मार्क्स गेन के लिए हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन सा कितना गेन हुआ है। ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं भी चैनल पर आपको ऐसे ही कराता हूँ कि पहले पूरा सिलेबस करा दी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे लास्ट टाइम पर तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली गेन हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर लाना, क्योंकि ऐसी कोई रिलेटेड वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ मैं आपको लाते रहता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, और